समय की बात है, एक पेड़ पर बिल में एक सांप रहता था। वो मेंढक, बतख और पंछियों को खाता था। दिन में सोता और रात में शिकार करता था। कुछ दिन बाद वो सांप बड़ा हो गया और उस बिल में ना घुस पाया, तो उसने सोचा कि अब वो अपना ठिकाना बदलेगा। अपने नए घर की तलाश करते हुए उसे एक बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा बिल दिखा। उस पेड़ के नीचे चींटियों की पहाड़ी थी। सांप पेड़ के पास आया और बोला, अब से इस पेड़ पर मैं रहूंगा, तुम सबको इस जगह से तुरंत जाना पड़ेगा। उस पेड़ के आसपास रहने वाले सभी जानवर और पंछी बहुत डर गए थे, मगर चींटियों को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो पहाड़ी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी। सभी चींटियां एकजुट होकर आगे बढ़ी और उस सांप को चारों तरफ से घेर लिया और उसे काटने लगी। बहुत दर्द हुआ और चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया। उसके बाद वो वहाँ कभी वापस नहीं आया। फिर तभी से सारे जानवर और पंछी वहाँ खुशी से रहने लगे। धन्यवाद बच्चों। एक बार एक पहाड़ की चोटी पर एक विशाल वृक्ष पर सिंधु का नाम का एक विशेष पक्षी रहता था। पक्षी की खासियत यह थी कि जब उसकी बूंद धरती पर गिरती थी तो वे शुद्ध सोने में बदल जाती थी। वह इस पेड़ पर अकेला रहता था और शांति से वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर खुश था। एक दिन एक शिकारी पक्षियों की तलाश में पहाड़ की चोटी पर घूम रहा था। कई घंटों के बाद जब वह किसी पक्षी को पकड़ने में सक्षम नहीं था, उसने विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने का फैसला किया, जिस पर सिंधु का रहता था। बस जब शिकारी सोने लगा ही था तो पक्षी ने अचानक पेड़ के ऊपर से अपनी बूंद को गिरा दिया, जो धरती पर गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी के चेहरे के ठीक बगल में सोने का टुकड़ा गिरा और जब उसने देखा तो उसने चिड़िया की ओर देखा। फिर से एक और टुकड़ा गिर गया और इस बार शिकारी ने जमीन पर इसे सोने में बदलते देखा। इस सब ने शिकारी को बहुत हैरान कर दिया था। शिकारी सोचने लगा, मैं कई वर्षों से पक्षियों को पकड़ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा पक्षी नहीं देखा या यहाँ तक कि ऐसे पक्षी के बारे में सुना भी नहीं जिनकी बूंद सोने में बदल जाती है। यह निश्चित रूप से एक विशेष पक्षी है जिसे मुझे पकड़ना है। दुख की बात ये थी कि जब शिकारी ने ऐसा सोचा तो सिंधुका को उसके बारे में पता नहीं था। वह अपने पेड़ पर आराम कर रहा था और शिकारी योजना बना रहा था। शिकारी ने पेड़ पर एक जाल बहुत सावधानी से बिछा दिया जब पक्षी ध्यान नहीं दे रहा था और अंत में जाल में फंस गया। जब पक्षी जाल में फंस गया तो शिकारी ने उसे एक पिंजरे में डाल दिया और घर की ओर जाने लगा। उसी समय सिंधुका ने सोचा कि जाल पर ध्यान ना देने के लिए वह कितना लापरवाह था और इसी कारण से बेचारा पकड़ा गया। अपने घर जाते वक्त शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को रखूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा और सभी को संदेह होगा
कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी दिन किसी को पक्षी की सच्चाई पता चलेगी और फिर वे राजा को पक्षी के बारे में बताएंगे, फिर मुझे इसे राजा को देना होगा। लेकिन अगर मैं पक्षी को सीधे ही राजा के सामने पेश करता हूँ तो वह मुझे इस पक्षी के बदले कुछ कीमती चीज देंगे। यह मेरे लिए बेहतर काम करेगा। मैं अपना शेष जीवन राजा की दी गई वस्तु के सहारे जी सकता हूँ। योजना के अनुसार वह सीधे राजा के महल में गया और राजा को सारी बात बताई। उसने राजा को पक्षी दिखाया और राजा एक ऐसे विशेष पक्षी को देखकर बहुत खुश हुआ जिसकी बूंद सोने में बदल जाती है। उसने अपने नौकर को बुलाया, इस पक्षी की उचित देखभाल करो, उसे एक शानदार पिंजरे में रखो और उसे भरपूर भोजन और पानी दो। सुनिश्चित करें कि वह दूर नहीं हो। वह मैल का शाही पक्षी होगा और अपनी बूंदों से मुझे कई दौलत देगा। अचानक राजा के मंत्रियों में से एक राजा के पास पहुंचा। राजा जी, एक पक्षी की बूंदें सोने में कैसे बदल सकती हैं? ये तो असंभव है। आप इस राह चलते शिकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे कोई ज्ञान नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पिंजरे को खोलें और पक्षी को दूर जाने दें और इस शिकारी को ऐसी झूठी जानकारी देने के लिए दंडित करें। राजा ने अपने विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री के शब्दों पर विचार किया और यह सच था। हाँ, कोई पक्षी सोने की बूंदे कैसे दे सकता है? मैंने इसे अपने आँखों से भी नहीं देखा। यह शिकारी शायद बदले में पैसा चाहता है। राजा ने पहरेदारों को शिकारी को गिरफ्तार करने और पक्षी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पक्षी मुक्त हुआ, वह उड़कर पास के एक दरवाजे के शीर्ष पर पहुंच गया और वहां बैठ गया। अचानक उसने अपनी बूंदों को गिराया जो सोने में बदल गईं। राजा और उनके मंत्रियों सहित सभी ने यह देखा और चौंक गए। राजा को पता था कि उसने एक गलती की है और तुरंत अपने पहरेदारों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया। मगर बहुत देर हो चुकी थी। सिंदूका आकाश में उड़ गया और उसने खुद को फिर से लापरवाह नहीं होने का वादा किया। उसने दूसरे पहाड़ पर एक नए स्थान के लिए उड़ान भरी जहां कोई भी उसे फिर से पकड़ ना पाए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ कितना भी असंभव लगे, हमें उसकी पूरी तरह जांच करनी चाहिए। धन्यवाद। सोने का ढेर। एक बार था एक किसान वीर नाम का। वह दूसरों के खेतों पर हल जोतने का काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन वह एक खेत पर गया। उसने काम शुरू ही किया था जब उसको जमीन में कुछ पीला और चमकीला नजर आया। मिट्टी हटाकर देखा तो अंदर था सोने का एक ढेर। वीर इतना बड़ा ढेर देखकर चकित रह गया और अपने आप को भाग्यशाली समझा। अपने साथ इस सोने को ले जाना चाहता था, परंतु दिन का समय था और ऐसे खुले आम दिन में इतनी कीमती चीज ले जाना उसको सही नहीं लगा। वीर ने रात को उधर वापस आने का निर्णय लिया और सोने को वहीं पे छुपा दिया। वीर वापस उसी स्थान पर रात को लौट आया और जमीन को खोदने लगा। सोने के ढेर को रस्सी से बांध दिया ताकि उसको आसानी से खींच पाए, परंतु सोने का ढेर बहुत भारी था। वीर ने फिर उस ढेर को चार समान हिस्सों में काटने का निर्णय लिया ताकि उसको आसानी से और सुरक्षित रूप से घर ले जा पाए। अपनी कुल्हाड़ी की मदद से वीर ने ढेर को चार हिस्सों में काट दिया और अंत में वह सारा सोना आराम से ले पाया। सोने से वीर अब धनवान बन गया और कई संपत्ति भी प्राप्त कर ली। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी कीमती वस्तु को बुद्धिमानी से संभालना चाहिए। चक्रधारक। एक दिन चार ब्राह्मण वन के भीतर चल रहे थे। कुछ देर उनको एक आश्रम नजर आया। उस आश्रम में रहते थे योगी भैरवनंदा। चारों ब्राह्मण उस आश्रम की ओर गए। योगी जी बाहर निकलकर पूछे,
कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? गुरुजी, हमने आपकी अनोखी शक्तियों के बारे में सुना है। आपसे मिलकर हम धन्य हुए। क्या आप हमें भी अपने चमत्कार दिखाएंगे? ये ब्राह्मण अच्छे इरादे से यहाँ आए हैं। मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। योगी जी आश्रम के अंदर गए और चार बेलचे लाकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। ये बेलचे ले जाओ। गांव के पास एक छोटा तालाब है और उस तालाब के साथ ही एक अंजीर का पेड़। उस पेड़ के पास जो लाल मिट्टी है उसे खोदो और अपना भाग्य आजमाओ। ब्राह्मणों बेलचे लेकर उसी स्थान पर आ पहुंचे। खोदते समय पहले वाले को एक तांबे की चट्टान मिली। ओह ओह, कमाल है, तांबे की चट्टान। चलो वापस चलकर इसको आपस में बांट लें। अरे नहीं, हमें सोना चाहिए और जब तक ना मिले खोदते रहेंगे। तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। पहला ब्राह्मण संतुष्ट था तो वो वापस चला गया। ईश्वर, चांदी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। चलो इसको आपस में बांट ले। शायद योगी जी इसी खजाने के बारे में बात कर रहे थे। हमको अभी सोना नहीं मिला, हम कोशिश करते रहेंगे। तुम चाहो तो जा सकते हो। दूसरा ब्राह्मण अपनी प्राप्ति से प्रसन्न था और वहां से चला गया। देखो सोना मिल गया, चलो इसको भोरी में भर के ले जाएं। अरे ना ना, लगता है ये कोई विशेष जगह है। पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। अगर मैं और कोशिश करूं तो शायद मुझे हीरे मिल जाए। तुम जा सकते हो, मैं हीरे लेके ही वापस आऊंगा। इतने लालची भी मत बनो, अब अंत में कुछ नहीं मिलेगा। हमको इतना सब कुछ तो मिला है पहले ही। चलो चलते हैं। ना, मैं तो हीरे लेके ही आऊंगा, देख लेना। चौथा ब्राह्मण खोदता ही रहा। थक गया और देर भी हो चुकी थी, परंतु ब्राह्मण ने खोदना बंद नहीं किया। खोदते खोदते जमीन में एक बड़ा सा सुराख बन गया और अचानक से ब्राह्मण उसी में फिसल गिर पड़ा। खुद को उसने कोई अलग सी जगह में पाया। ऊपर उठा तो उसने एक आदमी को देखा जिसके सर पर एक चक्र घूम रहा था। ब्राह्मण हैरान रह गया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और ये तुम्हारे सर पर चक्र क्या है? ब्राह्मण के ऐसा पूछते ही वो चक्र अब उसी के सर पर आ गया और घूमने लगा। ये क्या है? इस चक्र को मुझसे दूर करो। मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इधर लालची लोग गिरते हैं। अब तुमको इस खजाने की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम्हें ना भूख होगी ना प्यास, और ना ही तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। मृत्यु से भी मुक्त रहोगे। पहले ये बताओ मैं इस चक्र से मुक्त कैसे हो जाऊं? लालची लोग जब ज्यादा खोदने लगते हैं तो वे इधर गिर पड़ते हैं। कोई और तुम्हारी तरह इधर गिरेगा? अरे नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं इस चक्र का भार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कब से तुम्हारे सिर पर था? नहीं पता, मैं कई वर्ष पहले यहाँ आया था जब महाराज राम का राज चल रहा था। मुझे तांबा, चांदी और सोना भी मिला,
परंतु हीरों की लालच में मैं भी फिसल गिर पड़ा। बस मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर साधक उसी सुराख से बाहर निकल गया। जब वो तो यही खोद रहा था, पता नहीं कहां रह गया। ओ सुनिए, मेरा मित्र यहाँ पर मेरे साथ ही खोद रहा था, क्या आपने उसको कहीं देखा है? साधक हंसने लगा और तीसरे ब्राह्मण को सारी घटना सुनाई। ब्राह्मण मजबूर और निराश होकर अब घर वापस लौट गया। तांबा, चांदी और सोना मिलने के बाद भी तुम रुके नहीं? अगर हमारे साथ ही वापस लौट जाते तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। लालची दोस्त। एक गांव में रहते थे तीन दोस्त, बिल्लू, नीलू और पिंकू। तीनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी। बिल्लू और नीलू बहुत चतुर लड़के थे। कोई भी काम दो तीन बार सोच समझ कर करते थे। दूसरी ओर पिंकू थोड़ा लापरवाह था। एक बार पिंकू बिल्लू और नीलू के पास आकर बोला, ओ बिल्लू नीलू, आज हमें आम के खेत में जाना था ना, भूल गए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, लेकिन उस खेत तक पहुँचने के लिए वन को पार कर जाना है ना? अरे केवल वही नहीं, वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे डर लगेगा। अरे यार, वहाँ कोई जंगली जानवर नहीं है, लोग हर रोज उसी रास्ते से आते जाते हैं, चलो ना चलते हैं। पिंकू, लेकिन मैंने अपने माँ बापू को नहीं बताया, जब तक हम वापस आएंगे शाम हो जाएगी, हम कभी और जाएंगे। ओफो, क्या तुम सब कुछ माँ बापू को बोल के करते हो क्या? अगर तुम उनसे पूछोगे तो वे तुम्हें अनुमति नहीं देंगे। चलो हम जल्दी चलते हैं। ठीक है, परंतु अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, किसी को भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो तो सही। तीनों दोस्त वन के भीतर चल पड़े, लेकिन सबको डर लगी थी, क्योंकि बचपन से वे सब एक भयानक जानवर की कहानी सुनते आए हैं जो इसी वन में रहा करता था। थोड़ा आगे चलते ही अचानक से उनको एक तेज आवाज सुनाई दी। तीनों झट से रुक गए और आसपास देखने लगे कि ये आवाज आई कहाँ से। अचानक से मुड़कर देखा तो उनके पीछे था एक बड़ा सा भालू। तीनों भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे और एक पेड़ के पीछे छुप गए। हे भगवान, भालू आ गया, अब क्या करें? बिल्लू नीलू, इस पेड़ को चढ़ने में मेरी सहायता करो, ऊपर जाने के बाद मैं तुम दोनों को खींच लूंगा। जैसा पिंकू ने कहा वैसे ही बाकी दोनों ने किया। पिंकू, अब तुम अपना हाथ दो। अरे अपना हाथ क्यों नहीं दे रहे हो? जल्दी, भालू आ रहा है, जल्दी करो। वैसे यहाँ एक ही बैठ सकता है, तुम लोग कहाँ बैठोगे? बिल्लू और नीलू को पिंकू के ऐसा बोलने पर समझ ही नहीं आया, भालू और पास आने लगा। मेरे दोस्त नीलू, अगर हम जमीन पर पड़कर मरने का नाटक करें तो भालू शायद हमें कुछ नहीं करेगा। हाँ बिल्लू, अब यही करेंगे। दोनों लड़के जमीन पर पड़ गए
और हिले बिना मरने का नाटक किया। भालू लड़कों के पास आया और उनको सूंघने लगा। दोनों को मरा हुआ समझ के भालू वहां से चला गया। अरे वाह, तुम दोनों ने अच्छे से भालू से छुटकारा पा लिया। बड़े भाग्यशाली हो कि भालू ने तुम लोगों को खाया नहीं। हाँ, बाल बाल बच गए। लेकिन नीलू, भालू तुम्हारे बहुत पास आया था ना, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? हाँ, उसने बोला कि तुम जैसों से दोस्ती कभी नहीं करना, मैं तुमसे अब कभी बात नहीं करूँगा। पहले तुम मुझे नीचे उतारने में मदद करो। नहीं पिंकू, भालू ने बोला कि तुम जैसों की सहायता करने में कोई लाभ नहीं। हाँ, तुम वहीं बैठना, अब हम गांव वापस जा रहे हैं। दोनों बहुत निराश और गुस्सा होकर वहां से चले गए। पिंकू अकेले पेड़ के ऊपर बैठकर बस उनको देखता रहा। एक समय की बात है, जब एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान धर्मपाल नामक। धर्मपाल खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास कुछ पशु भी थे, जैसे मुर्गी, सुअर, बकरा और एक बड़ी सी गाय, जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। गाय से उसको काफी प्यार था, क्योंकि वह हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। धर्मपाल की कमाई ज्यादातर गाय के दूध से ही मिलती थी, तो वो चाहता था कि गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा रोते हुए उसके पास आया। पापू पापू, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? गैया बीमार हो गई शायद, जमीन पर पड़ी है और अजीब आवाजें निकाल रही है, दूध भी नहीं दे रही है। किसान और उसका बेटा तुरंत घर की ओर गए, तो देखा कि गैया बहुत कमजोर लग रही थी। जब दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत ही परेशान हो गया। अगर यह दूध नहीं देगी तो मैं क्या करूँगा? बिना दूध के ये तो बेकार है मेरे लिए। हर बार इसके लिए दवाई और देख रेख करने का समय नहीं है मेरे पास। कुछ ना कुछ करके इससे छुटकारा ही पाना पड़ेगा। किसान को लगा कि अब गाय ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसको खड़ा करके वन की ओर चलाते गया। गाय ने बहुत दूध दिया और अब वह उसके लिए बेकार हो चुकी थी। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गैया अकेले और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल से डरने लगी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद आखिरकार वह खुली जगह पर पहुंच गई, पर उसको पता ही नहीं था कि वह कहां आ गई। अचानक से उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी उसकी ओर चलने लगी। घर तक पहुंचते ही वह थकावट से बेहोश गिर पड़ी दरवाजे के पास। यह एक गरीब आदमी मधु का घर था। सुबह सवेरे मधु बाहर आया तो उसने गैया को अपने दरवाजे पर देखा। गैया बहुत बीमार लग रही थी और मधु को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया मदद के लिए। ओ सुनती हो, यह बेचारी गैया बहुत बीमार है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा सा घास और चावल है जो यह खा सकती है। मधु ने जो कुछ थोड़ा सा खाना था वो ले आया और गैया के सिर पर गीला कपड़ा रखा। मधु और उसकी पत्नी ने बहुत दिनों तक गैया का ख्याल रखा और धीरे धीरे गैया की हालत बेहतर होने लगी। जल्द गाय अपने आप चलने लगी। मधु गैया से बातें करता था, रोज उसको खिलाते हुए। गैया को भी मधु से बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब मधु घर के बाहर सफाई कर रहा था, गैया उसके सामने आ गई, अपना पैर जमीन पर पटका और मजबूती से खड़ी हो गई।
पहले मधु को समझ नहीं आया, फिर उसको लगा कि शायद वो दूध देना चाहती है। मधु ने एक मटका लाया और गाय से दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देकर मधु खुशी से झूम उठा। जल्दी वह अपनी पत्नी को दिखाया। देखो क्या हुआ, आज गौ माता ने दूध दिया है। हम इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ठीक है, आप जल्दी बाजार जाइए और इसको बेचकर पैसे ले आइए। आज रात हम घर पे दावत करेंगे। तो मधु गया बाजार और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने भगवान को धन्यवाद किया उसको गैया देने के लिए। मधु दूध बेचने लगा और जल्द अपने शुद्ध दूध के लिए मशहूर बन गया। गांव वालों को अब केवल उसी का दूध चाहिए था, जिसके लिए अच्छी रकम भी दिया करते थे। इस बात की खबर धर्मपाल तक पहुंच गई। मेरी गैया को चुराने की हिम्मत कैसे हुई इसकी, और अब वह अच्छे पैसे कमा रहा है। मैं अभी जाकर उसको वापस लूंगा, वो तो मेरी गाय है। धर्मपाल गया मधु के घर। मैंने सुना मेरी गैया तुम्हारे पास है और तुम उसका दूध बेच रहे हो। ये तुम्हारी नहीं है, दे दो मुझे वापस। यह सच नहीं है, गाय बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। तुमने इसका ख्याल नहीं रखा, पर मैंने इसको ठीक किया है, तो यह मेरी है। तुम गाय को वापस नहीं ले सकते। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला, ग्राम प्रधान के पास जाकर उनसे बात करूंगा, अब वही फैसला करेंगे। तो दोनों आदमी ग्राम प्रधान के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। तो यह है तुम लोगों की समस्या, यह तो बहुत आसान है, मैं हल कर दूंगा, चिंता ना करो। धर्मपाल को लगा अब वह जीत ही गया। उसको पता था कि वही गाय का असली मालिक है, तो बस उसी का नाम सुनने का इंतजार करता खड़ा रहा। तुम दोनों गाय के दाएं और बाएं खड़े हो जाओ। तो दोनों इसी प्रकार गाय के आजू बाजू में खड़े हो गए। कुछ देर तक सब चुपचाप थे। अचानक से गाय अपनी जगह से हिली और मधु के पास आकर खड़ी हो गई। अतः ग्राम प्रधान ने यह निर्णय लिया कि गाय मधु की ही है, क्योंकि उसी ने उसको प्यार दिया और उसको अच्छे से ख्याल रखा। अब गैया ने अपना मालिक खुद चुना है, तो मैं इसकी इच्छा टाल नहीं सकता। मधु, ले जाओ अपनी गाय को। मधु बहुत खुश हो गया और गैया को अपने घर ले चला। धर्मपाल निराश होकर पछताने लगा कि उसने गैया को पहले जाने ही क्यों दिया था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि कठिन समय में अपने वरदान को ऐसे ही जाने ना दें। आपके पास जो है उसको हमेशा महत्व दें। एक बार एक पंडित और उसकी पत्नी गांव में रहते थे। वे एक छोटे से घर में एक नदी के किनारे रहते थे। वे बेहद गरीब थे और जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष करते थे। पंडित अपनी पत्नी को कई सुख भोग देकर खुश करना चाहता था। एक दिन पंडित झील के पास बैठा था, जबकि उसकी पत्नी रसोई में काम कर रही थी। पंडित शांतिपूर्ण दोपहर में कुछ प्रार्थनाएं कर रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि झील पर एक सुंदर सुनहरा हंस उसकी ओर आ रहा है। हंस के पास कई चमकीले सुनहरे पंख थे जो बहुत सुंदर थे। हंस नदी के किनारे चला गया और पंडित का अभिवादन किया। हे पंडित, मैंने देखा है कि तुम और तुम्हारी पत्नी
बहुत कठिन जीवन जीते हो। मैं आप जैसे अच्छे लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तुम बहुत दयालु हो मेरे दोस्त। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। क्या वे असली सोने से बने हैं? जी, ये असली सोने के हैं। मैं आपको एक एक करके अपने सुनहरे पंख देकर मदद करना चाहता हूँ और आप उन्हें बेच सकते हैं। इसके जरिए जुटाए गए पैसों से आप लोग आसानी से आराम से रह सकते हैं। यह बहुत अद्भुत है। कृपया हमारे नम्र घर में हमारे साथ आएं और रहें। मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी तुमसे मिलना बहुत पसंद करेगी। पंडित हंस को घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाया। उसकी पत्नी हैरान थी और अपने जीवन में कुछ सुख भोग पाकर बहुत खुश थी। पत्नी ने तुरंत पूछा, क्या आप हमें अभी एक पंख दे सकते हैं ताकि हम इसे देख सकें और इसे धारण कर सकें? हंस ने एक पंख निकाला और उसे पंडित की पत्नी को दे दिया। फिर उसने उसे कहा कि वह एक बार में एक से अधिक ना ले, क्योंकि यह सही नहीं होगा। हंस पंडित और उसकी पत्नी के साथ रहने लगा। हर दिन उसने उन्हें एक पंख दिया और इस परेशानी के समय में बहुत मदद की। हंस चारों ओर उड़ता और उसे ऐसे देखना तो एक हसी नजारा था। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और उन्होंने पैसे के लिए पंख बेचना शुरू कर दिया था। एक सुनहरे पंख ने उन्हें पर्याप्त पैसा दिया। पंडित अक्सर अपनी पत्नी को याद दिलाता था कि वे इस उपहार को पाकर बहुत भाग्यशाली हैं और उन्हें इसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई दिन बीत गए और एक दिन पंडित पंख बेचने के लिए बाजार गया। पत्नी घर में खाना बना रही थी जबकि स्वर्ण हंस कोने में सोया हुआ था। अचानक पंडित की पत्नी को एक विचार आया, यह हंस हमारे साथ कब तक ऐसे रहेगा? हमें तो बस इसके पंखों की जरूरत है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें इसे खिलाना है, स्नान कराना है और इसकी देखभाल भी करनी है। हम इस हंस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये तो यहाँ से दूर जा भी सकता है और फिर कभी वापस नहीं आया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे। यदि मैं सभी पंख ले लूं तो क्या बुरा होगा? उसके सोते हुए मैं जल्दी से इसके सारे पंख निकाल लूंगी। हमें अपने जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। हम पंखों को सुरक्षित रूप से संभाल कर रख सकते हैं और जब मन चाहे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पत्नी धीरे धीरे हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। हंस भयभीत हो गया। पत्नी पंख खींचने की कोशिश करने लगी और हंस खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने लगा। मुझे तुम्हारी हालत की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे सभी पंख मिलने तक का इंतजार नहीं कर सकती। अरे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मूर्ख औरत? मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मदद करने की कोशिश कर रहा था। तुम एक लालची महिला हो और तुम जीवन के सुख भोग के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम उनका दुरुपयोग करोगी। तुम्हारे पति तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहते थे, लेकिन अब तुम अपना अवसर खो चुकी हो। मेरी इच्छा के अनुसार मैं तुमको स्वर्ण पंख देता रहा। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरे पंख तुम्हारे लिए बस एक पक्षी के पंख से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इस जगह से जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊँगा। हंस ने वहाँ से निकलने के लिए संघर्ष किया और फिर उसने पंडित की पत्नी को जोर से चोंच मारा और खिड़की से बाहर उड़ गया। पंडित बस घर में घुसा ही था जब उसने हंस को उड़ते देखा। तुमने हंस के साथ क्या किया? जी, मुझे इसके सारे पंख चाहिए थे और यह मुझे लेने नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हें उन्हें नहीं लेने के लिए कितनी बार कहा था। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और अब हम बाकी के जीवन जीने के लिए फिर से गरीब होंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? अतिरिक्त लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता। धन्यवाद। एक छोटे से शहर में रघु नामक एक बड़ा व्यापारी रहता था।
वह एक दयालु इंसान था। बहुत सारे लोग उसके घर आते जाते थे और सभी को उसकी मेहमानदारी पसंद थी। लेकिन एक दिन उसने अपना धन एक व्यापार में लगाया जिसका नुकसान हो गया, जिसकी वजह से रघु ने अपना सारा धन दौलत खो दिया। उस दिन से कोई उसके पास नहीं जाता था। रघु को बहुत अकेला लगने लगा। पैसों के बिना मेरा कोई महत्व है ही नहीं, ऐसे कैसे जीऊं मैं? ऐसा सोचते सोचते रघु गहरी नींद में सो गया। उसने तब एक बहुत अच्छा सपना देखा। सपने में एक साधु ने उससे बोला, ओ रघु, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, फिर मेरे सिर को तुम एक लकड़ी से छूना और मैं सोने में बदल जाऊंगा। उस सोने का उपयोग करके अपनी परेशानियों से निकल जाओ। अगली सुबह जब रघु जाग गया तो उसे वो सपना याद रहा। सोच में पड़ गया कि ये सच होगा भी या नहीं। इसी दौरान कोई दरवाजे पर आया। रघु की पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा कि नाई आया हुआ है। नाई अपने काम पे लग गया और रघु निराश होकर बैठा रहा। फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार सच में एक साधु बाहर खड़ा था। रघु साधु को देखकर आश्चर्य रह गया। जल्दी से वो लकड़ी ले आया और साधु के सर को उससे छुआ। रघु को विश्वास ही नहीं हुआ कि साधु सच में सोने के रूप में बदल गया। नाई भी ये देखकर अचरज रह गया। रघु ने थोड़ा सा सोना नाई को भेंट में दिया और बोला कि जो कुछ हुआ वह किसी को इस बारे में नहीं बताए। नाई इस बात से सहमत होकर वहां से खुशी खुशी सोना लेकर चला गया। कुछ देर बाद वह सोचने लगा, अच्छा तो इन साधुओं के सिर पर लकड़ी से मारने से ये सोने में बदल जाते हैं। अगले दिन ये लालची नाई एक मंदिर गया और सभी भिक्षुओं को अपने घर भोजन पे बुलाया। जब साधु उसके घर पहुंचे तो नाई ने सबको एक कमरे में बंद कर दिया और लकड़ी से सबके सिर पर मारने लगा। बेचारे भिक्षुओं को बहुत जोर की चोट लगी। जैसे तैसे करके सभी वहां से भाग गए और महाराज के पास चले गए नाई की शिकायत करने के लिए। महाराज ने सारी घटना सुनी और तुरंत नाई को महल पर आने का आदेश दिया। भिक्षुओं को क्यों मारा? पूछा महाराज ने। जो कुछ नाई ने रघु के घर पर देखा उसने सब कुछ बताया। फिर महाराज ने रघु को भी उधर बुलाया और उससे भी यही सवाल किया। प्रणाम महाराज। जी हाँ, ये सच है कि वो साधु सोने में बदल गया, परंतु मैंने उसके सिर पर मारा नहीं। लगता है इस नाई को पूरी कहानी पता ही नहीं। रघु ने महाराज को सब कुछ बताया और उसके वो सपने के बारे में भी। आखिरकार महाराज को सब समझ आ गया और उस लालची नाई को उसके कर्मों के लिए बंदी बना लिया। पैसों का महत्व। एक बार थे दो चूहे।
चूहों के माँ बाप ने दोनों को बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया, पर इतना लाड़ की वजह से वे आलसी और लापरवाह बन गए। माँ बाप की लाख कोशिश के बाद भी दोनों के बर्ताव में कोई बदलावट आई ही नहीं। एक दिन पापा चूहे ने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इस परिवार का ख्याल रख पाओगे। तुम दोनों में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। दोनों चूहों को पापा के ऐसे कहने पर बुरा लगा। पापा, अपने आप को साबित करने के लिए हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, तुम्हें एक मौका मिलेगा, पर मुझे बदलावट नजर आनी चाहिए। साबित करो मुझे कि तुम दोनों भी कमा सकते हो और जिम्मेदार बन सकते हो। चूहों ने पापा की बात मानी और फिर अपने रास्ते चल पड़े। अगले दिन दोनों चूहे नौकरी की खोज में घर से निकले। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी मिली ही नहीं। अंत में उनको मजदूरी का काम मिला, जिसमें उनको सामान की बोरिया उठाना पड़ेगा। दिन भर मजदूरी करके अपनी पगार लेकर घर आके गर्व से अपने पापा के हाथ में दे दिया। पापा चूहा पैसे लिया और घर के पीछे वाले नदी में फेंक दिया। हर रोज चूहे मेहनत से काम करके पैसे लाते थे, पर पापा वही करते थे, पैसों को नदी में फेंकने का काम। एक दिन चूहों का सब्र टूट गया और पापा से पूछे, पापा, हम इतने मेहनत से कमाते हैं और आप हर रोज पैसों को नदी में फेंकते हो? हाँ, आप ऐसे क्यों करते हो? मुझे पता है कैसा लगता है जब हर रोज की मेहनत की कमाई ऐसे रद्दी होती है। अगर तुम दोनों सबसे पहले पैसों का महत्व जानोगे, तब ही खुद पे खुद जिम्मेदार बन जाओगे। दोनों चूहों ने उस दिन अपना सबक सीखा। जो भी काम हो, उसको ध्यान से और सोच समझकर करना चाहिए। उस दिन से चूहों ने अपने परिवार का ध्यान रखा और सबको खुश रखने की कोशिश की। एक व्यापारी का था एक जिद्दी और अधार्मिक बेटा बिल्लू। बिल्लू के माँ बाप उसको देखकर दुखी होते थे कि ये कितना लापरवाह है। एक दिन बिल्लू की मैया उसे डांट डांट के थक गई थी। बिल्लू की धार्मिक भावनाओं को जगाने के लिए मैया ने उसको मंदिर भेजना चाहा साधु जी का उपदेश सुनने। हमेशा की तरह बिल्लू ने जाने से मना कर दिया और भगवान और उसकी माँ का मजाक उड़ाया। और कोई रास्ता ना मिलने के कारण मैया ने बिल्लू को वादा किया कि अगर वह साधु जी के उपदेश को सुनेगा तो वह उसे 1000 तांबे के सिक्के देगी। लालची बेटे ने पैसों के लिए माँ की बात मान ली। प्रवचन के दौरान बिल्लू मंदिर में बैठा रहा। वह प्रवचन के खत्म होने का इंतजार कर नहीं पाया ताकि वह घर जाकर 1000 तांबे के सिक्के ले ले। साधु जी की शिक्षा सुनने के बजाय बिल्लू आराम से सो गया। अगली सुबह बिल्लू घर वापस आया और अपनी मैया से वो 1000 सिक्के ले लिए। उसने अपनी माँ को बोला कि वह व्यापार करने अब विदेश जाएगा। मैया ने उससे ना जाने की भीख मांगी, परंतु बिल्लू ने कुछ नहीं सुना। उस रात बिल्लू ने अपना सामान बांधा और जल यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह बंदरगाह गया और एक नाव पर सवार हो गया जो विदेश के लिए निकल रही थी। बिल्लू अपने 1000 सिक्कों के साथ दुनिया देखने के लिए उत्सुक था। वह समुद्र की हवाओं में लंबी सांसें ले ही रहा था जब अचानक बिजलियां चमकने लगी। थोड़ी देर में हल्की हवाएं तेज तूफान में बदल गईं। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। नाव उलट पुलट हो रही थी।
और नाव का कप्तान सब कुछ काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। बिल्लू डर से कांपने लगा क्योंकि वह कभी भी घर से इतना दूर नहीं रहा। अपनी जान के लिए वह रोने लगा। आखिरकार एक लंबी भयानक रात के बाद तूफान गुजर गया पर नाव बर्बाद हो चुका था। जैसे तैसे करके बिल्लू समुद्र तट तक तैरते हुए आ गया। खुद को रेत पर घसीटते हुए खांसने लगा। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह एक द्वीप पर था। उसे अपने इर्द गिर्द एक भी मनुष्य नजर नहीं आया। बिल्लू गला फाड़ कर आंसू बहाने लगा। अगर अपनी मैया की बात मानी होती तो आज वह इस परिस्थिति में फंसा नहीं होता। बिल्लू को अपनी अवज्ञा और लालच का भारी रकम देना पड़ा। बाकी चीजों के साथ साथ अपने 1000 तांबे के सिक्कों को भी खो डाला। किसान और लालची बेटा। एक बार रहता था एक गरीब किसान। वह बहुत परिश्रमी था पर इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसकी खेत में कोई फसल नहीं थी। एक दिन पेड़ के नीचे विश्राम करते समय उसने एक सांप घर देखकर सोचा, शायद ये नाग ही इस खेत का रक्षक है। अगर मैं इसकी सेवा करूंगा तो मेरे खेत भी उपजाऊ हो जाएगी। अगले दिन किसान एक दूध की कटोरी ले आया और कहा, ओ नाग देवता, कृपया मुझे समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। सांप ने सारा दूध पिया और एक सोने का सिक्का उसके लिए छोड़ा। सोने का सिक्का? तो ये सच है, ये नाग देवा मेरे लिए शुभ है। धन्यवाद ओ नाग देवता। इसी प्रकार कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन किसान को काम के लिए शहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बोला, बेटा हर रोज नाग देवता को दूध देना नहीं भूलना। जी बापू, चिंता मत करो, मुझे पता है कैसे करना है। किसान के निकलने के बाद बेटा सांप को दूध देने लगा तो सांप ने रोज की तरह एक सोने का सिक्का दिया। बेटा सोचा, हर रोज एक सिक्का कम है, मुझे सारे एक साथ ही चाहिए। कल मैं सांप को मार के सारे सिक्के निकालूंगा। अगले दिन दूध देते समय किसान के बेटे ने सांप को लकड़ी से मारने की कोशिश की। सांप तो बच निकला परंतु उसने लड़के को डस लिया। जब किसान वापस आया तो उसे इस घटना का पता चला और वह दुखी हो गया। किसान के बेटे को उसकी लालच की सजा मिल गई। एक समय की बात है, एक गांव में चार पंडित रहते थे। चारों बचपन से ही दोस्त थे। किताबें पढ़के उन्होंने खूब ज्ञान प्राप्त भी कर लिया था। मगर उन चारों में एक पंडित था जिसे कभी भी किताबों का शौक ना था। भाइयों, मुझे लगता है हमें अपने इस ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। हमें शहर जाना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है, पर हमें हमारे साथ विट्ठल को लेकर नहीं जाना चाहिए। अगर वो हमारे साथ आया तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, एकदम सही बात बोले हो। अरे तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, हम शुरू से ही साथ में रहे हैं, एक थोड़ा हिस्सा तो हम उसे दे ही सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। चारों पंडित शहर की ओर चल पड़े। चारों चल ही रहे थे कि एक मक्खी दूसरे पंडित के आसपास मंडरा रही थी। पंडित उससे बहुत तंग हो रहा था, हटाने पर भी वो कहीं नहीं गई। उसे मारने के लिए पंडित मक्खी के पीछे भागा। अरे तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, हम वैसे भी इतना बोझ उठाकर चल ही रहे हैं, क्यों ना मैं इस मक्खी को एक गधे में बदल दूं?
हाँ हाँ, हम अपना सामान गधे पे चढ़ाकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। एक गधा इतना बोझ नहीं उठा पाएगा, तो आप अपना सामान मुझे दे सकते हो। अगर तुम इतना बोझ उठाओगे तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है। तुम्हें हमारे साथ लाने का हमारा सुझाव था, तो जैसा हम बोलेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। इस गधे को मैं एक बलवान जानवर में तब्दील कर दूंगा, एक बाघ में। क्या, एक बाघ में तब्दील करोगे? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। एक बाघ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तुम मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता, हम जैसा बोलेंगे बाघ वैसा ही करेगा। तुम बीच में मत पड़ो। तुम विट्ठल की मत सुनो, उसे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, हमने वैसे भी बहुत समय बर्बाद कर लिया है। अगर एक बाघ हमारे साथ हमारा बोझ उठा कर चलेगा तो सब लोग हमारी वाहवाह ही तो करेंगे। इसी दौरान उन तीनों पंडितों ने उस गधे को एक बाघ में बदल दिया, और तभी विट्ठल तो झट से पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जो गधे से बाघ में तब्दील हुआ वो तो एक खूंखार जंगली जानवर था, और फिर उसने तीनों पंडितों पर हमला बोल दिया। अरे बाप रे, अगर इन्होंने मेरी बात मानी होती तीनों जीवित होते। तो बच्चों, बिना बुद्धि के हमारी विद्या व्यर्थ है। एक जमाने में एक शहर में रहते थे एक डॉक्टर। वे एक अति उत्तम और दयालु डॉक्टर थे और अपने काम में भी बहुत अच्छे थे। सारे गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करते थे और लोगों की मदद करने के लिए हर कोई उन्हें बहुत सम्मान भी करता था। एक बार देर रात को बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और डॉक्टर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। श्रीमान, आप कौन हैं? इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? कृपया मेरी मदद करें, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं घर पहुँच पाऊँगा। कृपया मुझे आज रात यहीं रहने दें और मेरा इलाज करें। अंदर आ जाइए, आप आज रात यहाँ विश्राम कर सकते हैं। वो आदमी बहुत आभारी होकर अंदर आ गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी सर्दी और फ्लू दूर करने के लिए उसे कुछ दवाई दी। दूसरे दिन सुबह उस आदमी ने डॉक्टर से कहा कि वो गांव का एक सोनार है और उसे अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो उसके पास आ सकता है। सुनार ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए, डॉक्टर अपनी दवाई बनाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ों और फूलों की खोज में जंगल गए थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वो एक कुएं के पास थोड़ा पानी पीने के लिए रुके। पानी पीते वक्त उन्होंने मदद की पुकार में कुछ आवाजें सुनी। जब उन्होंने थोड़ी दूर देखा तो एक विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया था। ऐसा लगा कि उस पेड़ के पास से मदद के लिए आवाज आ रही थी, इसलिए वे उस पेड़ की ओर भागे। पेड़ के नीचे एक बाघ और सांप सभी शाखाओं और पत्तों के बीच फंस गए थे। कृपया करके मुझे बचा लो, मेरा पैर इस पेड़ के नीचे फंस गया है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया मेरी भी मदद करें, मैं सभी शाखाओं में फंस गया हूँ और अपना रास्ता नहीं बना पा रहा हूँ। डॉक्टर जंगली जानवरों से थोड़ा भयभीत थे और मदद करने के लिए हिचकिचा रहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने का वादा करता हूँ। डॉक्टर ने बाघ पर यकीन कर लिया
और पेड़ को उठा लिया। बाघ आजाद हो गया और डॉक्टर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। यदि तुम्हें कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे मदद के लिए पुकारना और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। डॉक्टर ने बाघ को धन्यवाद कहा और सांप को बाहर निकालने लगे। जब सांप आजाद हो गया तो उसने भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वही बोला, आपने मेरी जान बचाई है और मैं भी आपका एहसानमंद हूँ। यदि आपको कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं और मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगा। बाघ और सांप चले गए और डॉक्टर वापस घर आ गए। कुछ दिन बीत गए और डॉक्टर दवा बनाने के लिए जड़ों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए फिर से जंगल गए। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और एक तेंदुए द्वारा हमला किए जाने वाले थे। डॉक्टर को कोई और भी शक्तिशाली प्राणी की जरूरत थी। उन्हें बाघ का वादा याद आया और उसे मदद के लिए पुकारने लगे। बाघ, बाघ बचाओ मुझे। बाघ ने डॉक्टर की पुकार सुनी और दौड़ते हुए उन्हें बचाने के लिए आया। उसने तेंदुए को डराकर वहां से भगा दिया। बाघ ने डॉक्टर को उसकी गुफा में आने का न्योता दिया और कहा कि उसे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उसे मदद के लिए पुकारा। उसने डॉक्टर को कुछ सोना भी दिया जो उसे जंगल में मिला था और उसके साथ व्यापार करने के लिए कहा। जैसे ही डॉक्टर बाघ के गुफा से निकले, उन्हें सोनार के वादे के बारे में याद आया और वो गांव चले गए। उन्होंने वो सोना उस सोनार को दिया और कहा कि बाघ ने उन्हें दिया है। उन्होंने सोनार से पूछा कि क्या वो सोने के बदले में उन्हें पैसे दे सकता है। सोनार ने वो सोना पहचान लिया कि वो सोना राजा के बेटे का था। राजकुमार एक दिन शिकार करने निकले थे पर कभी वापस नहीं आए। सोनार को तब राजा की घोषणा याद आई, जो भी राजकुमार या सोना को खोज पाएगा या वापस ले आएगा उसे खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। सोनार ने डॉक्टर को इंतजार करने को कहा, यह बोलकर कि वो सोने का गुण परखना चाहता है। उसी दौरान वो दुष्ट सोनार अपने घर के पीछे वाले रास्ते से निकल गया और राजा के पास गया उन्हें वो सोना दिखाने के लिए। उसने राजा को बोला कि एक आदमी के पास ये सोना था और शायद उसी ने राजकुमार को मारा होगा। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को सजा दी। जैसे ही डॉक्टर को जेल में डाला गया, वे चिल्लाने लगे, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। वो सोना मुझे मेरे दोस्त बाघ ने दिया था। सोना झूठ बोल रहा है, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। जब डॉक्टर जेल में कैद थे तब एक चूहा उनके पास आया और उनसे बोलने लगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी ऐसे को पुकारो जो वाकई में तुम्हारी मदद कर सके, शायद वे आ जाएं। डॉक्टर को तब सांप के बारे में याद आया और वे उसको पुकारने लगे, ओ सांप कृपया आकर मेरी मदद करो। जब सांप आया, उन दोनों ने पूरी घटना के बारे में बात की। तब सांप को एक विचार आया कि वो रानी को डस लेगा। क्योंकि मैं एक अपूर्व और जहरीला सांप हूँ, इसलिए कोई अन्य डॉक्टर मेरे काटने का इलाज नहीं कर सकता है। मैं जाकर रानी को काट लेता हूँ, उसके बाद आप उनकी सहायता करने का प्रस्ताव दें। ये बोलकर कि एक डॉक्टर के रूप में आपके पास अच्छे कौशल हैं, आप राजा के रक्षक तक पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं कि आप रानी को बचा सकते हैं। योजना को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया
और राजा डॉक्टर से बहुत खुश हो गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उन्हें जो भी प्रसन्न हो वो उसकी मांग करें। किंतु डॉक्टर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस सोनार ने आपसे झूठ बोला, मुझे वो सोना मेरे बाग दोस्त ने दिया था, कृपया करके आप उस सोनार को सजा दें। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने डॉक्टर को छोड़ दिया। किंतु उस सोनार को बंदी बना लिया। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमेशा हर एक वादे या इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो है की शादी। एक बार गंगा के तट के किनारे था एक सुंदर सा आश्रम, जहाँ पर कुछ तपस्वी रहते थे शांति से, और गुरु यज्ञ के कुछ चेले जो हमेशा ध्यान करने में मग्न रहते थे। गुरु यज्ञ आत्म अनुशासन का पालन किया करते थे। एक दिन जब गुरु जी स्नान कर रहे थे, तब एक चील अपने पंजे में एक चूहे को लिए उधर से उड़ रहा था। अचानक से चूहा चील के पकड़ से छूट गया और सीधा गुरु जी के हाथों में गिर पड़ा। जब गुरु जी ने देखा कि वो चील अभी भी उधर ही उड़ रहा था, तो उन्हें लगा कि इस चूहे को अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। चूहे को एक बरगद के पेड़ के पास रखा और अपना स्नान पूर्ण किया। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने उस चूहे को एक छोटी सी लड़की में बदल डाला और आश्रम ले गए। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, मेरी प्रिय, इस बच्ची को एक प्रदान मानकर स्वीकार करो, क्योंकि हमारे पास खुद की संतान नहीं है। तो छोटी लड़की आश्रम में रहने लगी गुरु जी के ख्याल में। उसने बहुत ज्ञान पाया और दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। दोनों गुरु जी और उनकी पत्नी को अपनी अनोखी पुत्री पर गर्व था। एक दिन गुरु जी ने ध्यान दिया कि अब उनकी बेटी विवाह के लायक हो चुकी थी। अब क्योंकि वह खुद अनोखी थी, उनको लगा कि उसके लिए कोई अनोखा सहभागी चुनना चाहिए। अगले सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करके गुरु जी ने सूर्य भगवान को बुलाया और कहा, कृपया मेरी पुत्री से विवाह करें। अगर इसकी मर्जी है तो मेरी इच्छा है कि आप इसकी सहभागी बने। परंतु बेटी ने बोला, पिताजी, सूर्य भगवान तो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, पर वे बर्दाश्त के बाहर गर्म हैं और आग जैसे हैं। मुझे इनसे विवाह नहीं करनी, कृपया आप कोई और ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, सूर्य भगवान से भी अच्छे कौन है? सूर्य भगवान ने सलाह दी, गुरुजी, आप बादल राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे भी महान है, क्योंकि वह मुझे और मेरी रोशनी को छुपा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब बादल राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने फिर से कहा, पिताजी, बादल राजा बहुत ही अंधेरे, गीले और ठंडे हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी, कृपया किसी और को ढूंढे। गुरुजी सोचने लगे, अब बादलों के राजा से भी महान कौन है? बादल राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप वायु राजा से बात करें। वे मुझसे भी महान हैं, क्योंकि वे मुझे उड़ा सकते हैं। तो गुरुजी ने अब वायु राजा को बुलाया, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। परंतु बेटी ने कहा, पिताजी, वायु राजा बहुत ही बेचैन और तेज है, हर समय दिशा बदलते रहते हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी, आप किसी और को ढूंढे। गुरुजी फिर से सोच में पड़ गए, अब वायु राजा से भी महान कौन है? वायु राजा ने सलाह दी, गुरुजी,
आप पर्वत महाराज से बात कर सकते हैं। वे मुझसे भी महान हैं, क्योंकि वे मुझे रोक सकते हैं। तो गुरुजी ने अब पर्वत महाराज को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। पर बेटी फिर से बोल उठी, पिताजी, पर्वत महाराज बहुत ही सख्त और कठोर है। वह एक ही जगह रहते हैं। मुझे इनसे शादी नहीं करनी। कृपया आप किसी और को चुने। गुरुजी सोचने लगे, अब पर्वत महाराज से भी महान कौन है। पर्वत महाराज ने सलाह दी, क्यों ना आप चूहे के राजा से बात करें। वह मुझसे भी महान है, क्योंकि वे मुझ में भी छेद बना सकते हैं। तो अब गुरुजी ने चूहा राजा को बुलाया और कहा, अगर मेरी पुत्री की इच्छा है तो आप कृपया उसका हाथ विवाह में स्वीकार करें। जब बेटी चूहे राजा से मिली तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और शर्माते हुए अपनी रजामंदी दे दी। अब अंत में गुरुजी अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपनी बेटी को वापस एक सुंदर चूही में बदल डाला, ताकि वह अपने विवाहिक कर्तव्यों को निभा सके। अंततः गुरुजी की बेटी का विवाह हो गया। किसी ने सही कहा था, जो जन्मजात है वह कभी नहीं बदल सकता। कई साल पहले द्वैता नामक एक वन में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन तेज भूख के कारण लोमड़ी पूरे वन में खाना के लिए ढूंढ रही थी। अंत में उसको एक मरी हुई जंगली भैंस मिली। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा ही दिन है। मैं इस भैंस को 10 दिन तक मजे से खा सकती हूँ। परंतु इसकी चमड़ी तो बहुत मोटी है, मैं उसको चीर नहीं पाऊंगी। अब क्या करूं? उसी समय उस रास्ते से एक शेर गुजर रहा था। शेर को देखते ही लोमड़ी बोली, मेरे प्रभु, आप सही समय पर आए हैं। आइए, हम दोनों इस जंगली भैंस का मांस साथ साथ खाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं केवल खुद से किया गया शिकार का मांस खाता हूँ। तुम्हें इतना भी नहीं पता? ऐसा कहकर शेर वहां से चला गया। कुछ समय बाद वहां एक बाघ आया। लोमड़ी सोचने लगी, ओफो, अगर ये बाघ इधर आया तो सब कुछ खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। हो लोमड़ी, हट जाओ यहाँ से। मुझे पता चला कि इधर एक जंगली भैंस है। चलो अब यहाँ से जाओ, ये भैंस अब मेरा है। जी, जैसा आप कहें। आपने सही सुना, परंतु इस भैंस को शेर जी ने मारा है और मुझे यहाँ रखवाली के लिए ठहरने को बोला। वे किसी भी समय वापस आते होंगे, तो मैं यहाँ से चली जाऊं? क्या ये भैंस शेर जी का शिकार है? उनका शिकार खाने से बेहतर है मैं भूखा ही रहूं। ऐसा कहकर बाघ भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां एक चीता आया। लोमड़ी जी, क्या आपने इस भैंस को मारा है? मुझे बहुत भूख लगी है मेरे दोस्त, थोड़ा मांस मैं भी खा लूं। मैं तुम्हारी भूख समझ सकती हूँ दोस्त, परंतु ये भैंस शेर जी का शिकार है और मैं यहाँ केवल एक रखवाली हूँ।
वह किसी भी समय वापस आते होंगे। एक काम करती हूँ, तुम मांस खाना शुरू करो। शेर जी जब पास आएंगे तब मैं जोर से चिल्लाऊंगी, तुम उसी समय भाग जाना। धन्यवाद मेरी दोस्त, इस जंगल में तुम जैसों की हमें बहुत आवश्यकता है। चीता भैंस की चमड़ी को चीरने लगा। उसी समय लोमड़ी चिल्लाने लगी, भागो मेरे दोस्त भागो, शेर आ रहा है। ये सुनकर चीता वहां से तुरंत भाग गया। अब आराम से लोमड़ी ने पेट भर के अकेले अकेले मांस के मजे लिए।